हेलो गाइस, वेलकम इन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई एक और नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं भाई 12:30 हो रहे हैं और 11:30 बजे तो मैं लेट सो के उठाऊँ। रात में लेट सोया तो इसलिए भाई लेट सो के उठाऊँ। और कोशिश यही है मेरी कि जैसे कि आपको पता आ गया कि वीडियो चेंज होती जाएगी तो हम कुछ और नया करेंगे, वीडियो के अंदर एड ऑन करेंगे। और इसी के साथ भाई आज बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया भाई मौसम हो रहा है। और मैं क्या ही बताऊँ, बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। और कल तुम्हारे भाई ने मीट बनाया था तो आपको वीडियो करने जरूर अच्छा दिखेगा, जो मैंने वीडियो डाली है। और डिस्क्रिप्शन में लिखना जरूरी कैसा लगा आपको कि आवाज़ में सुनाता हूँ। देखो इसमें से ना चिड़ियाएँ बोल रही है और आपको आवाज़ आएगी। इस पेड़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिड़िया रहती है और इसके अंदर आपको इसलिए आवाज़ आएगी। देखो आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा चिड़िया हैं इसके अंदर। और भाई मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। भाई एक तो कालू पहले सो रहा है, उसके बाद एक और बंदा सो रहा है। दूर धूप सेक रहे हैं लोग सब। धूप तो बढ़िया है, किसी भी एंगल से देख सकते हो, बढ़िया धूप आ रही है। गाइस तुम्हारा भाई नहा चुका है ठंड के अंदर। यार सोचो ठंड के अंदर नहाने का मन नहीं करता, पर गर्म पानी नहीं ठंडे पानी से नहाता हूँ, फिर टैप में आता है, नल चलाओ पानी आ रहा है उससे नहा रहा हूँ मैं। नहाने के बाद उनको फ्रेश हो चुका हूँ, देख सकते हो बढ़िया लग रहा है। धूप तो मस्त आ रखी है आज। आज भाई बिल्कुल बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ मैं। देखो कॉर्नफ्लैक्स मिल्क और इसमें है भाई डेट्स। ये वाला ब्रेकफास्ट आज इन्जॉय करेंगे क्योंकि मैंने बोला था धीमे धीमे डाइट पे काम करना है, तो इसलिए बढ़िया काम है। सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर दूध के साथ आप कॉर्नफ्लैक्स ले सकते हो। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड फुल्ली एनर्जी। हेलो गाइस, देख सकते हो आप आ चुका है भाई लंच। ब्रेकफास्ट आपको दिखाया था, लंच के अंदर भाई बिल्कुल हेल्दी खिचड़ी ले रखी है क्योंकि आज मकर संक्रांत है तो खिचड़ी ले रखी है। खिचड़ी के अंदर है गोभी, गोभी आलू और फ्रेश स्पिनिच अपने खेत में से तोड़ के लाया था मैं, वो डाला हुआ है और टोमेटो डाले हुए हैं। आज यही खाएंगे तो भाई से ही खाते हैं। वो बताता हूँ कैसी लग रही है। कभी कभी खिचड़ी खानी चाहिए मूंग की दाल वाली। भाई बहुत बढ़िया लग रही है, देसी घी बनी है और देसी घी बनी है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, मज़ा आ रहा है। एंजॉय करते हैं भाई सर्दी में। भाई आज का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और आज मैंने करी है चेस्ट और ट्राइसेप्स और अब जाएंगे घर पे जाके प्रोटीन लेंगे। काफ़ी ठंड हो रही है जिम करने का। हेलो गाइस, तुम्हारा भाई घर पे आ चुका है जिम करने के बाद। और भाई रोज़ की तरह प्रोटीन शेक दूध देख सकते हो इतना लिया है, उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाया है और उसके अंदर प्रोटीन डाला हुआ है। भाई एक्चुअली मैं यार प्रोटीन पीने की ना एक माइंड के अंदर एक ऐसी चीज़ बैठ जाती है, भाई प्रोटीन पी रहा हूँ मैं तो बॉडी बनेगी, इसके बगैर ना एक्सरसाइज करने का मज़ा नहीं आता। ऐसा नहीं है यार, सब लोगों का अपना मानना है, पर मुझे आदत पड़ गई है तो ये ले लेते हैं कभी कभी। ठंड से ब्लेंड कर लिया तो भाई, ठंड तो काफ़ी हो रही थी पर एक्सरसाइज करने का सबसे बढ़िया गेमिंग का टाइम सर्दियाँ होती है, इसलिए ले ले लिया मैंने। क्या डाला है देख तो ले, क्या चीज आज वाली तो डाल दे। आज वाली कौन सी वीडियो जो आज डाली थी वो डाले, भाई साहब जी बिस्तर डाल रहे हैं और घर पे बोल रहे हैं तू है कैसा ऊंधा है क्या, ढंग से बिस्तर भी नहीं डाल रहा। ऊंधा है बे तू, तुम बिस्तर भी डालना नहीं आ रहा है। मम्मी क्या बोल रहे हो तुम इसे, ऊंधा है? उल्टा डाल रहा था, मतलब सीधा नहीं डाल के कालीन उल्टा डाल रहा था। ऐसे काम ही यही है मतलब कारपेट। भाई साहब इसको कुछ भी काम बोलो ना उल्टा ही करता है, फिर सीधा करेगा।
उल्टा कारपेट बिछा रहा था। देखो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इस भाई साहब जी ने इसके ऊपर ऊपर वाले हिस्से को बड़े नीचे डाल रहा था, अब इसको ऊपर करी से क्या बताएं इसको, दिमाग थोड़ा स्लो खर्च काम करता है गाइस। तेरी वीडियो नहीं डालनी क्यों? चल जाएगा एकदम से चैनल चलने लग जाएगा तेरी डालेंगे तो क्यों? इसके ऊपर रखना बेंच के ऊपर, तब बेंच उधर घुसेड़ को ये तो और सरल तरीका है इसका, ये तो और काम इसके उल्टे है। देखो इसको बोलो नीचे का सामान हटा के ऊपर बेंच रखने, भाई साहब ने टेढ़ी बेंच को सीढ़ दी। भाई क्या ही बताएं इस भाई साहब को, अगर आप घर में वैसे दो दिन करूँ जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों डिनर आ चुका है, डिनर के अंदर खिचड़ी, दोपहर वाली खिचड़ी दोबारा खा रहा हूँ मैं, मुझे अच्छी लग रही थी, बची हुई थी यार, ख़त्म करना सही है ना, खाना वेस्ट क्यों करना। और खीर बनाई है, आलू की सब्जी है, मिर्च का पकौड़ा पड़ा हुआ था वो भी खा लेता हूँ, और भाई रोटी ले ली है, रोटी दिखने में ज़्यादा है अभी, जिसमें चार है देखूँगा जितनी खाई जाएगी, एक दो जितनी खाऊंगा खाऊँगा। और अभी डिनर करने के बाद आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर भाई ब्लॉग को एंड करेंगे। और हीटर, हमने हीटर चला ही रखा है, ये भाई साहब जी भी आ गए हैं, ये खीर पी रहा है पानी के तलों, तो चम्मच भी लाया तू? तुमने खाना खा लिया? चालू रखी है और अब ब्लॉग वाले ब्लॉग करे जा रही है। क्यों मम्मी क्या लगाना है? गौरव ब्लॉग। तो गौरव ब्लॉग आ नहीं रहा अभी, हमारा चैनल नया है ना, तो मम्मी आएगा नहीं? आता है टीवी में। नहीं टीवी में तो आएगा, वो हमें लगाना पड़ेगा ना, वैसे लिखने से आएगा, वैसे नहीं आता, अभी इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ ना। ऐसे दिखाना, मेरी मम्मी देख रही है हमारा ब्लॉग। हाँ हमारी मम्मी देख तो रही है हमारा ब्लॉग, अभी लगा रहा है ये। लगा दियो भाई। क्या लगा दूँ, अब नहीं लगा रहा हूँ, मैं फोन चलाऊंगा। मैं लगा जा रहा हूँ और तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ मैं कि घर के बाहर कैसा हो रहा है इस वक्त, और लग रहा है कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बाहर लग रहा है कोई नील नील गाय आई होगी। मम्मी घर के सामने गेट पर लगा क्या, गेट पड़ा है भाई, देखो कि तो सारा कोहरा हो रहा है, और अभी बहुत सारे ना कुत्ते यहाँ पे भौंक रहे थे, यहाँ पे ना नील गाय आराम से, नील गाय और जंगली सुअर काफ़ी आ जाते हैं इधर की साइड, तो भाई मैं वही कोशिश कर रहा था आपको दिखाने की। अभी तो भाई कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा यहाँ पे, नहीं तो ना इधर भाई नील गाय आ जाती है इधर की साइड, बाहर तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है, और यहाँ पे नील गाय और जंगली सुअर आपको दिख जाएंगे आसपास। अभी भाई कुछ दिख नहीं रहा, नील गाय जंगली सुअर ना यहाँ पर आराम से दिख जाते हैं, लगता है सब चले गए। कल दिखाऊंगा आपको व्लॉग में, अगर गलती से एक आधा देखी ना मैं रात में, तो दिखाऊंगा। कुछ भी नहीं मिला, तो यही करा कर, यही खेला कर तू, पबजी पबजी ठीक है, यही पबजी खेलता रहता पूरे दिन, ये इसे कुछ काम नहीं है भाई, इसे कुछ काम नहीं, पूरे दिन पबजी खेलता रहता भाई साहब जी, ये क्या करे, ठंड हो रही है यार बहुत ज़्यादा गंदी ठंड है भाई बाहर, तो लग रहा है चार, लग रहा है 7 से 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर हमारे इधर गाजियाबाद में इस वक्त, 4 से 6 डिग्री मार रही है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और मिलते हैं कल अनदर व्लॉग के अंदर, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय। आपको आज का व्लॉग बहुत बढ़िया लगा होगा भाई, अगर आपको व्लॉग बढ़िया लगा होगा तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और ये आप देख रहे हो मैं क्या खा रहा हूँ, ये मैं खा रहा हूँ भाई गुड़, और जो भी लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है तो गुड़ गर्म भी रखता है आपको। और दूसरी बात ये है कि गुड़ के फ़ायदे क्या है, यहाँ पे है 500 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं रोज़ रात में सोने से पहले खाएँगे, तो भाई पोल्यूशन जो है ना कुछ हद तक हम अपने लंग्स से क्लीन कर सकते हैं।